हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। उठ के अपना भिंडी वगैरह काट के और यहाँ पे मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आ गई हूँ किचन में, क्योंकि शांतनु को ना जैसे पेपर चल रहा है, आजकल एग्जाम चल रहा है, तो एक दिन पेपर और एक दिन क्लास चल रही है। तो कल पेपर था तो आज जो इनका क्लास है, तो उनको टिफ़िन देना। तो पेपर होता है तो 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 11 बजे बच्चे मतलब आ जाते हैं घर पे, और जिस दिन क्लास चलती है तो फिर पूरे टाइम बच्चे 2 बजे ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी का छौका लगा दिया है, भिंडी बन रही है। इधर मैंने उसके लिए दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद अपना इधर पराठे आटे वगैरह का। और जैसे मैं झुकी ना अपना पराठे काटे लेने, मेरा दूध पूरा सुबह सुबह ही जो है नुकसान हो गया। और दूध उबलना ना अच्छा भी नहीं मानते हैं, तो एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो है ये हालत हो गई। और 6 बजे अगर ना उठो ना, 6 बजे से पहले ही उठना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं उठोगे ना तो क्या होगा ना कि काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भिंडी वगैरह कभी कट करके रख देती हूँ, और कभी कभी नहीं भी टाइम मिलता है तो नहीं रखती हूँ। तो आजकल थोड़ा मतलब सब लोग आए हुए हैं तो टाइम उतना नहीं मिल रहा है, तो सुबह ही उठ के भिंडी मैंने कट कर लिया। और भिंडी के पराठे, सॉरी भिंडी की सब्जी और पराठे मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खा लेता है, तो मैं उसको लिए यही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया और यहाँ पे सब्ज़ी भी। और अभी सुबह के टाइम में उतना टाइम नहीं रहता है कि 10-15 मिनट आटा को छोड़ा जाए, तो मैं फिर बस उसको दूध देके और उसके बाद जो है अपना मैं वो कर लूँगी। तो सुबह सुबह दूध और हॉर्लिक्स मिला के दूध दे देती हूँ, और उसके बाद थोड़े से किशमिश बादाम दे देती हूँ, तो मेरा बच्चा खा लेता है, वही खा के जो है चला जाता है। सुबह सुबह पराठे नहीं खाता है, और शुरू से ही नहीं खाता है। कभी मैंने देने की कोशिश किया ना तो उसको जैसे उल्टी जैसा होने लगता है, तो मैं नहीं देती हूँ ज़बरदस्ती। जिससे बच्चे खुश रहें वही चीज़ करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे सुबह सुबह मैं उसको ये नाश्ता दे देती हूँ, और अभी बना ले रही हूँ पराठे। इधर सब्जी भी बन ही रही है, तो बस उसी के लिए मुझे पराठे बनाने हैं। और सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं रहता है कि फिर उठो नहाओ फिर जाके पराठे बनाओ। किचन में ही फ्रेश होके जो है अपना ब्रश करके मुँह धो के फ्रेश होके किचन में ही आना पड़ता है हर माँ को। तो यहाँ पे भी मेरा भी यही सिस्टम है, मैं जैसे यही करती हूँ। तो मेरा ना यही घी का ही पराठे बनता है, और जो है तिकोने वाले ही पराठे हमारे यहाँ ये भी खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं। इन लोगों को ना यही वाले पसंद है, और कोई पराठे ये लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने पहली रोटी एक आड़ी टेढ़ी डाल दिया, क्योंकि ये रोटी या तो गाय को देते हैं या फिर चिड़िया वगैरह दे देते हैं। बाहर चिड़िया हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो बाहर डाल दो ना तो वो लोग खा लेती हैं। तो मैं पहली रोटी कभी भी अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, और पहली रोटी खैर किसी को नहीं देते हमारे इधर, यही मतलब हमने देखा है बचपन से ही। तो मैं पहली रोटी कभी भी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन गए, और इधर सब्ज़ी भी साथ में मतलब देख रही हूँ, तो सब्ज़ी भी बन ही गई थी। बस जब तक पराठे बनेंगे तब तक मैं सब्ज़ी मतलब मेरी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पराठे बन गए, उसका टिफ़िन भी मैं पैक कर देती हूँ फटाफट। और सुबह सुबह ना वो नहीं खाता है, तो मैं टिफ़िन एक पराठे एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, ताकि बच्चे तो भले ले आए, नहीं तो अपने कभी कभी बच्चे भी खा लेते हैं कोई दोस्त वगैरह, तो मैं एक हमेशा पराठे उसके लिए एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, तो ले जाता है। यहाँ पे फ्रूट भी मैं उसको थोड़ा सा एप्पल वगैरह रहता है तो दे देती हूँ साथ में। इधर मैंने ना दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, दूध आ गया था। अभी शांतनु जो है चले गए हैं, और यहाँ पे बुआ उठ गई हैं, तो मैं यहाँ पे चाय भी रख दूँगी, जिनको लेना होगा वो लोग ले लेंगे। मैं अभी सुबह सुबह चाय नहीं पी रही हूँ, गर्म पानी ही ले रही हूँ, तो मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और उनके लिए इधर चाय भी बना रही हूँ। यहाँ पे भाई भी है ना बुआ का लड़का, तो वो भी उठ गया था, तो उसके लिए भी मैं चाय दे दूँगी। और ये अभी सो रहे थे, उठ के नहाने धोने जाएंगे, तब तक मैं जो है इधर अपना काम निपटा लूँगी। साफ़ सफाई जो भी रहता है डेली का, थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई डेली ही होता है, घर में धूल वगैरह आ जाती है। तो ये मेरी बुआ हैं जो कि उठ के आ गई हैं ब्रश वगैरह करके, भाई भी उठ गया था वो भी, तो उन लोगों के लिए चाय दे दी हूँ और अपने लिए जो है गर्म पानी ले ली हूँ। और यहाँ पर पति देव दिया जलाते हैं डेली, तो देखिए नहा धो के आ गए हैं और दिया जला रहे हैं, और ये बस दिया जला देते हैं, बाद में मैं अच्छे से जो पूजा है अपना करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ अपना गनी नहा धो के और यहाँ पे आई हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया जला रही हूँ। और अब आज उतना गंदा नहीं था, तो ज़्यादा सफाई नहीं हुई है,
तो मैं पहले नहा लूँगी, बुआ अभी बाद में नहाएंगी, तो नहा के आके मैं पहले सबसे पहला काम करती हूँ अपने भगवान जी को भोग लगाना, तो भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने इनके लिए पराठे नाश्ते बनाए, ये अपना नाश्ता करके चले गए हैं ऑफिस, और अपने लिए और बुआ के लिए सबके लिए साथ में फिर लगातार पराठे बना दिए। देखिए भाई भी कर लिया और इन लोगों को जाना है रिपोर्ट के लिए, तो आजकल ये हॉस्पिटल के चक्कर ही चल रहा है। और बुआ भी अपना नाश्ता करके रेडी हो रही हैं, और यहाँ पे लास्ट में सबसे लास्ट मैं लेके बैठ गई थी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जो है मैं यहाँ पे कुछ कुछ काम की, जैसे कपड़े फैलाना, देवा को उठाना, ब्रश कराना, ये सब काम छोटे मोटे बीच वाले किए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ना अभी आ गई बुआ, जल्दी रिपोर्ट मिल गया था और जल्दी लेके आ गए थे लोग। आके यहाँ पे जो है ये लोग, मैं काम पे सबको लगा दी थी। एक ये प्लांट है, ये बार बार गिर जा रहा था, तो इसको फिट करना था सीमेंट, वाइट सीमेंट लगा के गमले में। तो मैंने बोला आप लोग ये काम कर दीजिए, तब तक मैं अपना खाना वगैरह बना लूँगी। यहाँ पे देखिए वाइट सीमेंट घोल के, और इसी में ये प्लांट ना जगह जगह गिर जाता है, तो इसको मैं फिक्स करवा रही हूँ एकदम से, और वाइट सीमेंट से एकदम चिपक के फिक्स हो जाता है, तो फिर ये मजबूत हो जाएगा तो गिरेगा नहीं। देखिए ऐसे करके करवा कर मैंने धूप में रख दिया, और अभी आपको दिखाऊँगी ये काम, जो कि बहुत बड़ा काम है जो नहीं होता है। पानी नहीं ना गिरेला भाई, क्या आवत आई, कहाँ से आवत पानी, धूप तो सही, धूप तरी की सूखल लिया, वही सूखल में करो ना, सूखल लिया यही गिरी जल तले ना बन हुई, तो वह तो इनसे कहो तरी, हाँ हाँ ना, तो जहाँ से पानी गिरता हो जाए ये साबुन लगा लेबे, चिपक जाए के बाद लगा दे पूरा। अच्छा तो है का है के साबुन ना लगी, नहीं 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 तो लाइट बॉय तोर वाला फेंक दियो तू, ना बा वो ही नहीं लेते आओ ना, उहे लगा दे पानी दे धो लेवे के, धोबे काहे ओ जे लगा साफ करू तब ना सबुनियो लगी के तरह लगी, पागल लेखा हमेशा काम करे के बा। तो हां तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाई मेरा लड़ाई कर रहा था, उसको कोई भी काम बोल दो ना तो ऐसे चिड़चिड़ के करता है, जल्दी काम ही नहीं करता कोई। आज मैंने बोल दिया, वो मैंने कंप्लेन किया है लेकिन वो लोग नहीं आ रहे। वहाँ पे टंकी थी, टंकी टूट गई और पानी ना एकदम गिरता रहता है जब तक मोटर चलाओ, तो वही मैंने बोल दिया कि वाइट सीमेंट से चिपका दे, तो वो सुन ही नहीं रहा था, लड़ाई कर रहा था। और भाई बहन का ऐसे चलता रहता है, ऐसे ही मतलब भोजपुरी में बात कर रहा था वो, खूब हम लोग ऐसे ही लड़ाई होती रहती है प्यार वाली। तो यहाँ पे देवा उठ गया था ना, तो ये वाला बेडरूम में बाद में करती हूँ, क्योंकि ये सोया रहता है तो मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, तो ये मैं बेडरूम को ठीक कर दी। अभी जो है नाश्ते के बर्तन वगैरह थे तो धो लूँगी, ये 3 बजे तक पड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है सिंक में, फिर वो 4 बजे आती है, 3 बजे आती है तो बर्तन धोती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चलो एक दो हैं, अभी मेहमान भी हैं तो भाई ज़्यादा बर्तन भी हो जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने ये सारे बर्तन जो है हाथों हाथ धो लिए, ताकि सिंक भी साफ़ सुथरा हो जाए। और उसके बाद बुआ तब तक सब्जी वगैरह काट दी थी, तो मैं यहाँ पे सब्जी में छौंक भी लगा रही हूँ। यहाँ पे दाल, अरहर की दाल बनेगी और आलू कद्दू की सब्जी बनेगी, उसके बाद इधर करेले की भुजिया बनेगी, तो 2 रंग की सब्जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, करेले की भुजिया और आलू कद्दू की सूखी सब्जी। और दाल है, अरहर की दाल है, जीरे वाली तड़के वाली, मेरे यहाँ बच्चे वही पसंद करते हैं, या तो मिक्स बना दो या वो बना दो, लेकिन उसमें टमाटर प्याज वगैरह नहीं पसंद करते हैं, प्लेन दाल ही बच्चे खा लेते हैं। अगर टमाटर प्याज डाल दो ना तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो प्लेन दाल खिलाती हूँ मैं बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए मेरी करेले की भुजिया भी बन चुक, मतलब छौंक लगा दी हूँ, बन रही है। तो ज़्यादा लोग हैं तो आजकल सब्जियाँ भी दो दो बन रही है, और ज़्यादा बन रहा है, और कोई आता है ना तो अच्छे से करना ही चाहिए स्वागत, किसी का भी कोई भी आए तो अच्छे से अपना खाना पीना खिलाना देना ये करना चाहिए। और यहाँ पे आटा भी साथ के साथ लगा ली, तो 3 चूल्हे पे ना फटाफट खाना भी बन जाता है, आलस भी नहीं आता है, फटाफट तीनों पे अगर तैयारियाँ रहे तो एक साथ में फटाफट खाना बन जाता है। उसके बाद मैं देव को नहलाने चली गई थी, और यहाँ पे देव को कर रही हूँ रेडी, क्योंकि देव का 1 बजे स्कूल होता है, तो यहाँ पे मैं भाई ले जाके इसको छोड़ देगा, तो मैं यहाँ पे इसको तैयार करके टिफ़िन वगैरह दे दूँगी। वैसे इसका भी पेपर चल रहा है, तो टिफ़िन की मतलब जैसे कुछ ऐसी ही चीज़ें ले जा रहा है हल्की फुल्की सी, तो यहाँ पे मैं भाई के लिए भी खाना बना दूँगी, क्योंकि वो छोड़ के आता है ना, और शांतनु को लेके ना आता है, 1:45 हो जाता है, तो वो 2 बजे निकल जाता है अपने
ड्यूटी पे, तो इस वजह से मैं उसको अभी खाना खिला देती हूँ ताकि वो देव को छोड़ने से पहले खाना पीना खा ले और देव को छोड़ के भी आ जाए और शांतनु को लेके आ जाए। अगर उसकी ड्यूटी नहीं रहती तब मैं जाती हूँ, अभी वो है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पहली रोटी नहीं दूँगी, दूसरी वाली रोटी बना कर, जैसे कि बताया कि पहली रोटी मैं किसी को नहीं देती हूँ, दूसरी ही रोटी देती हूँ। तो यहाँ पे खाना मेरा निकल गया है और चलिए भाई के लिए ये खाना दे देते हैं, वो फटाफट खा लेता है। और यहाँ पर सब लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, अभी कोई नहीं खाएगा, अभी भाई ही खाएगा। उसके बाद देव चला गया स्कूल और उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाया, सब लोग खाए पिए। और ये टाइम है कि मैं सबको खाना पीना खिला के खुद खा चुकी हूँ, जो बच्चा कुचा खाना है उसको निकाल के ढक रही हूँ, देखिए। और अभी मैं गैस की क्लीन करूँगी क्योंकि पूरा मतलब साफ़ सुथरा कर लो, उसके बाद अच्छा लगता है किचन जब साफ़ सुथरा रहता है तो। तो यहाँ पे जो है गैस वगैरह क्लीन कर दो ना, तब तक खाना भी हमारा जो खाए पिए रहते हैं उपज जाता है। तो मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ, गैस इतना देर में ना खाना जो खाए रहते हैं उस पर तुरंत बैठना भी नहीं होता, खाना पच जाता है। और सारे गैस वगैरह साफ़ करो ना तो सारे नीचे गंदगी लग जाती है, तो चींटे बरसात में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ चींटियाँ नहीं आती, काले वाले चींटे आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से तुरंत ही हाथ के हाथ झाड़ू लगाना पड़ता है, तो झुंड के झुंड आ जाते हैं चींटे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ झाड़ू लगा लूँगी, टेबल वगैरह जो है ना सारा ही क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता है। और 3:30 बजे मुझे देव को लेने जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये भी ना क्लीन कर लूँगी। ये लोग देख रहे थे कोई मूवी, यहाँ पे बुआ और बुआ के लड़के दोनों लोग कोई मूवी सीरीज चल रही थी, वो देख रहे थे। और मेरा ये काम हो गया, अभी मेरे पीछे कपड़े पड़े हैं तो वो भी मैं उठा के ले आऊँगी। और मेरा प्लांट मैं देख रही थी एकदम चिपक गया, तो इसको भी उठा के सब अंदर रख दूँगी क्योंकि बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, बारिश कभी भी आ जा सकती है। तो इस वजह से ये सारे काम जो है मैं छोटे मोटे वाले करके फिर निश्चिंत थोड़ी देर के लिए करती हूँ रेस्ट, के बस जाती हूँ देव को लेने के लिए। फिर शाम का काम जो होता है उसके बाद ही स्टार्ट होता है। देव को लेके आने में ना 4 बज जाते हैं, तो फिर शाम की मेरी जो रूटीन होती है, जैसे जैसे मैंने कई बार वीडियो बनाया भी है, वो वाली मेरी रूटीन जो है स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले मेरे ऐसे काम मतलब दोपहर वाले काम होते हैं। तो कपड़े एकदम सूख गए थे और ले आकर रख दी। और देखिए शांतनु का हाल, ये चला रहे थे आईपैड, तो इनको लेके थोड़ी देर को डांट वाट के फिर बेडरूम में बैठूंगी थोड़ी देर, ये अपना पढ़ेंगे और मैं करूँगी रेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।